अब देखो यहाँ से ये है स्वीप, स्वीप के ऑप्शन है, तो मैं पहले एक बार दिखाता हूँ। जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो हमने ले लिया, ये तो हमने ले लिया था विद रेफरेंस वाला। अब इसके अंदर है विद टू गाइड कर, टू गाइड कर वाला देखते हैं। नाम से ही पता लगा कि टू गाइड कर होने चाहिए। तो ये पहले मैं गाइड बना रहा हूँ और गाइड लिया एक, ठीक है, एक बार में एक ही बनाना, आपको दो नहीं बनाने, दो बनाएंगे तो गड़बड़ जाएगी। दूसरा भी ले लेते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये और ये दोनों मैच हो जाए। उसके लिए ये पिक किया और ये पिक किया दोनों को, और इसे कर देते हैं कॉन्स्टेंट। ओके, तो मैच हो गया, ठीक है ना। तो एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई, दो मेरे पास हो गई, और यहाँ से एग्जिट गाइड कर हो गए बेसिकली, है ना। दो गाइड कर बना लिए, और प्रोफाइल भी चाहिए होगा, तो प्रोफाइल में इससे ले लेता हूँ। और प्रोफाइल आप क्या लेना चाहते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, लाइक ये वाले एक आर्क ही है, यहाँ से यहाँ तक, और ये अब आप इसे घुमाइए। दोनों को पिक किया, कॉन्सिडेंट कर दीजिए, इसे पिक किया और इसे पिक किया, कर देते हैं कॉन्सिडेंस। ओके, डायमेंशन कर दीजिए इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव इट। तो यहाँ पे 20 का पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रेड कलर दिखा रहा है, तो मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ। जो भी है ठीक है, यही रख लेते हैं। अब लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से लिया मैंने विथ टू गाइड कर। तो प्रोफाइल क्या रहा है पहले, तो प्रोफाइल मेरा ये हो गया। कंडीशन ये है कि ये मैच होने चाहिए, अगर कर्व मैच नहीं हो तो सब गड़बड़ जाएगा, तो नहीं लेगा ये। और ये भी दो बार में बना होना चाहिए, दूसरा गाइड कर, ठीक है। और प्रीव्यू करें, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके साथ इसके साथ टच करता हुआ इस तरीके से जाएगा, नहीं, ये यहाँ से सिंपल ऐसे ही लेगा। एंकर पॉइंट आप अगर लेना चाहते हो तो पहली वाली लाइन पे एंकर पॉइंट पिक कर दीजिए, एंकर पॉइंट पिक हो गया, क्लिक। और यहाँ से एंकर पॉइंट टू वर्टेक्स है, पॉइंट एंड डायरेक्शन भी लेना चाहते हो पॉइंट एंड डायरेक्शन भी ले सकते हैं। पॉइंट एंड डायरेक्शन जब हमने चेंज किया तो डायरेक्शन को आप कंप्यूट ही ऑटोमेटिकली कर लेगा, या आप यहाँ से ले सकते हैं कोई वेक्टर। तो मैंने एक्स लिया, प्रीव्यू, वाई लिया, प्रीव्यू, ठीक है, और फिर क्लिक किया और लिया जी, और फिर प्रीव्यू। तो इसके इफेक्ट आपको दिखाई देंगे होंगे, राइट। ये नहीं चाहिए, टू पॉइंट ही रख लेते हैं, एक पॉइंट ही अपना आप कंप्यूट कर लेगा, एक आप डिफाइन कर दीजिए और ये आ जाएगा। स्केच गाइड हो गया, प्रोफाइल हो गया, और हमने ये ले लिया, और इसे कर देते हैं हम ये फिल ट्विस्ट एरिया, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये कहीं पर अगर ट्विस्टिंग आ रही होगी तो वो ट्विस्टिंग को नहीं लेगा, वहाँ पे छोड़ देगा, वहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं बनाएगा, ये उसके लिए है। अच्छा, अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगला कौन सा है मेरे पास ऑप्शन, विथ पुलिंग डायरेक्शन। विथ पुलिंग डायरेक्शन के अंदर क्या है, एक प्रोफाइल, एक गाइड चाहिए और एक पुलिंग डायरेक्शन चाहिए। तो पुलिंग डायरेक्शन के लिए चलिए दोबारा से लेते हैं, और यहाँ से लिया मैंने प्रोफाइल, प्रोफाइल मेरा ये हो गया, और गाइड कर कौन सा हो गया, ये वाला मेरा गाइड कर हो गया। अब डायरेक्शन, अब डायरेक्शन ना यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और मैं लेता हूँ यहाँ से जी, और फिर प्रीव्यू, ठीक है, ऐसा आ गया। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ राइट क्लिक और यहाँ से करता हूँ वाई, और प्रीव्यू, और यहाँ से ना रिजल्ट भी होते हैं, सेकेंड कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहा है, थर्ड रिजल्ट नीचे की तरफ आ गया, फोर्थ रिजल्ट, यहाँ फोर लिखे हैं तो मतलब फोर रिजल्ट पॉसिबल हैं, वो आपको दिखा देगा पोजिशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे आता है कि एंगल, एंगल के लिए मैंने यहाँ से एंगल डाल दिया 360 का, और फिर प्रीव्यू। तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं डायरेक्शन ये लेता हूँ जो कि है एक्स, तो डायरेक्शन कंपोनेंट लिया मैंने एक्स। अब प्रीव्यू करते हैं, तो ये जो है ना प्रोफाइल, ये ट्विस्टिंग मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये बन नहीं पाया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि हम ट्विस्टिंग को ले पाएँ। तो इस वाले प्लेन पे गए, स्केच,
और एक लाइन ले लीजिए, ये एक लाइन मैंने बना दी। अब कौन सा वाला लेने वाले हैं आप वो देख लो कि कौन सा लेना है। मैंने माना इसको लिया और दोनों को कहते हैं कॉन्सनेंस, ओके। और इतनी लंबी नहीं, छोटी सी लाइन ले लेते हैं ताकि उसके चारों तरफ ट्विस्ट हो भी पाए। अब यहाँ से जाते हैं प्रोफाइल गाइड डायरेक्शन एक्स ट्विस्ट एंगल, पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रीव्यू आ रहा है, देखो आधा उधर आधा उधर ऐसे जा रहा है। अच्छा सेकंड रिजल्ट अभी भी ऐसा आ रहा है। थर्ड रिजल्ट स्लिप हो गया, इधर इधर का इधर और इधर का इधर स्वीप हो गया है। मैं यहाँ से आता हूँ ऐसे करते हैं 360 और इसका फर्स्ट रख लेते हैं प्रीव्यू। नई बात बन रही, यहाँ से कंपोनेंट चेंज करके जी कर लेते हैं। अब देखो हो तो रहा है लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, प्रॉपरली आ नहीं रहा रिजल्ट। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये 360 जा रहा है, अगर मैं इसे करता हूँ 90, अब देखो आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। डिफरेंस क्या दिखाई देगा? ये 90 पे ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन मुझे तो ट्विस्टिंग चाहिए, तो ट्विस्टिंग के लिए इसको मैं रखता हूँ 0। और ट्विस्टिंग कितनी चाहिए उसके लिए मुझे एंगल डालना पड़ेगा, तो आप लॉ में जाइए और यहाँ पर ले लेना आप वेरिएबल वाला, ठीक है। ये लीनियर, ये एसपी लाइन, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों में सेम ही आएगा, बस क्यूबिक और लीनियर वाला फर्क है। ये 360 लिया तो स्टार्टिंग 0 के एंगल से हो रहा है एंड 360 पे हो रहा है, तो ये ट्विस्टिंग आपको शो करेगा। ये वाला कई बार काम आता है, इसी वजह से मैं हाईलाइट करके बताना चाह रहा था आपको। अभी ये मुझे यादा चाहिए तो मैं इसको यादा भी कर सकता हूँ, तो 3600 तो 10 टर्न हो जाएंगे और फिर प्रीव्यू 10 टर्न आ गए। अब फर्दर अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट। हाउ कैन वी यूज? आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट इज दिस एंड प्लेन एंड फुल सर्कल एंड रेडियस इज 1.0, इट इज अ लिटिल बिट स्मॉलर सो मेक इट 3, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, फिर से स्वीप लेते हैं और स्वीप में जो सिंपल ऑप्शन है मेरा फर्स्ट रेफरेंस वाला, मैंने रेफरेंस लिया, प्रोफाइल ये हो गया। अब गाइड कर्व, ये बाहर की कर्व लेते हैं जो घूमता हुआ जा रहा है ट्विस्टिंग वाला, वो मैंने ले लिया। तो देखो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ही बनाता हुआ चला जाएगा। आ रहा है अभी, ये ट्विस्टिंग आगे लगता है कहीं पे, जो सर्किल है हो सकता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया हो तो उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब क्या गया, यहाँ से जाता हूँ मैं और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक पहले बना दिया गाइड, तो ये हो गया मेरा एक गाइड और गाइड ली, ये लाइन है एक मेरी गाइड, ठीक है, सीधा बना लिया ताकि कुछ गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाए। फिर दूसरा स्केच, केटीएम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी बनाना है ना आपको, आपको बार 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 लेना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि दो चीज़ एक साथ बना ली और उसको बाद में जाके यूज़ कर, जैसा कुछ सॉल्ट बॉक्स में और एनएक्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी है, ऐसी कैटीएम में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से गए, अब मैंने यहाँ से लिया विद रेफरेंस टू सरफेस और प्रोफाइल कौन सा, ये वाला मेरा प्रोफाइल है। फिर गाइड कर कौन सा, ये वाला हो गया। अब अगर प्रीव्यू करोगे तो बन के आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ से हमारा है
पुलिंग डायरेक्शन। तो पुलिंग डायरेक्शन में डायरेक्शन मैंने यहाँ से कर दी इसकी जेड, प्रीव्यू जेड में नहीं आ रहा है, मैंने इसे कर दिया एक्स, एक्स में आ गया। फिर यहाँ से जाकर लॉ में, और लॉ में जाके यहाँ से किया मैंने एस टाइप, और यहाँ से हमने कर दिया 360 × 5, ठीक है। तो ये 1800 पे आ गया, 15 और 2, ठीक है जी, बन के आ गया। अभी तो कर देते हैं ओके, और फिर एक सर्कल ले लेते हैं, उसके बाद सर्कल थोड़ा छोटा रखेंगे, पूरा सर्कल चाहिए 2.0 का। और फिर लेते हैं स्वीप, सिंपल वाला ले लीजिए स्वीप, प्रोफाइल ये है, राइट कर दिया है, और फिर भी और ओके। अब ये जो पहले वाला था, आप चाहें तो उसको हाइड कर दीजिए, ठीक है, स्प्रिंग टाइप की शेप बन जाएगी इससे। सर्किल इसको भी डिलीट कर देते हैं, अच्छा इसको बने रहने देता हूँ, उसको नहीं छेड़ा हूँ। फिर स्वीप इसमें ज़्यादा स्वीप में, और यहाँ पे है मेरे पास लाइन, ये सेकंड वाला ऑप्शन, टू लिमिट, दो गाइड चाहिए, उनके बीच में बनेगा। तो एक गाइड तो मैंने एज्यूम ये कर लिया, दूसरा गाइड एक और बनाते हैं, और क्लिक किया इस वाले प्लेन को, और यहाँ से ले लेते हैं एक आर्क, और इसकी सीध में हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा तब भी। तो पहला गाइड, दूसरा गाइड, और प्रीव्यू। अब लेंथ आ रही है, लेंथ 2, लेंथ 1, मैंने से कर दिया 0, लेंथ 0, तो लेंथ 0, और ये वाली लेंथ भी 0, इससे मैच हो गया। देखो ना, इसके बाहर नहीं निकला, आगे की तरफ भी और इधर भी, इधर से भी बाहर नहीं निकला, इधर से भी बाहर निकला, इसके बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये इसके अंदर इसको मिल गया, और कर दो सर, अच्छा। तो फिर हमने क्या किया, इस सी को दोबारा से करते हैं, इसे करा डिलीट और ओके। और ये जो कर्व है, ये थोड़ा गोल सा है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, मैं इसको सीधा ही ले लेता हूँ, माना एक लिमिट ये हो गई, और एक लिमिट मैंने ये ले ली। अब ये दोनों कर्व सीधे हो गए, अब इन दोनों के बीच में बनाना है, तो यहाँ से स्वीप में जाएंगे, और यहाँ से टू लिमिट में पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब प्रीव्यू करेंगे तो मैच होता हुआ आ जाएगा। अब लाइन थोड़ी बड़ी छोटी का चक्कर है, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है, नहीं तो ये सब आएगा नहीं। ओके, लिमिट एंड मिडिल। तो लिमिट एंड मिडिल के अंदर क्या है, गाइड 1 गाइड 2 ये हो गया। अब प्रीव्यू, तो क्या करेगा, इसको मिडिल ले लेगा, और जैसा इधर बनेगा ऐसा ही उधर की तरफ बना देगा डबल करके। अब रेफरेंस सरफेस, ये तो भाई जुगाड़ करके बड़ा बनाना पड़ेगा ना, तब ये आ पाएगा। ऐसे ही आगे का है रेफरेंस कर, ये सब थोड़ा अजीब सा है, इस वाले में देख लेते हैं कुछ अगर ऐसा लग रहा है मुझे। 3 गाइड, इसके अंदर आप 3 गाइड ले सकते हैं, 3 गाइड वाला देख लेते हैं। 2 गाइड तो मेरे पास ऑलरेडी हो गए हैं, अब तीसरा गाइड जो है वो अब इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा, तो एक नया प्लेन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आ गए, और एक ये हो गया, हम ये लिखे हैं ना, 3 गाइड हो गए मेरे पास। अब इन 3 गाइड की हेल्प से बनाना चाहते हैं हम, तो ये लिया 3 गाइड, पहला गाइड ये हो गया, दूसरा गाइड ये हो गया, और तीसरा गाइड ये हो गया, और फिर ठीक है तीनों गाइड से पास होते जाएगा। ये 3 गाइड का हो गया,
टू गाइड एंड रेडियस, टू गाइड एंड रेडियस के अंदर क्या है आपको पहला और दूसरा गाइड बताना है, और रेडियस कितना 20 का, 20 का रिजल्ट यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कैंसिल किया, दोबारा से लिया टू गाइड एंड रेडियस, पहला गाइड ये हो गया, दूसरा गाइड सपोज मैंने ये ले लिया और रेडियस मैं यहाँ से कर दिया 60 का और फिर प्रीव्यू। तो अब मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट पॉसिबल है, ये देखो जितना दिख रहा है ना ये वाला, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट, नेक्स्ट रिजल्ट ये वाला आया, माना मेरे को अंदर का चाहिए तो अब यही आएगा, डबल क्लिक। आप कोई दूसरा रिजल्ट लेना चाहते हो नेक्स्ट का, दो नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा उधर का आ सकता है, उधर का चाहिए क्या आपको, फिर लिया और स्विच करना चाहते हैं थर्ड रिजल्ट कौन सा है उधर का हो सकता है वो चाहिए, इजी रिजल्ट आएगा ठीक है, डबल क्लिक। फिर यहाँ पे है सेंटर एंड टू एंगल, ये भी थोड़ा अजीब सा है पर चलो ट्राई कर लेते हैं, सेंटर कर रिफरेंस कर है, नहीं नहीं हो पाएगा ये भी नहीं हो पाएगा, सेंटर एंड रेडियस ये ले लो, ये एक हो सकता है, ये ट्यूब है, ये बेसिकली ट्यूब की तरह काम करेगा। आप प्रीव्यू गाइड कर्व सेंटर कर्व आपका कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपने इसको ले लिया तो इसके ऊपर ट्यूब बन गई है, ये ट्यूब ऑप्शन है जो हमने इससे पहले वाले में लिया था, अच्छा वो डिलीट कर दिया था तो मैं आपको एक बार फिर से अलग उसमें बताया था, माना क्या किया एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने डाल दिया था 20, फिर यहाँ से ले लेते हैं हेलिक्स, पॉइंट ये हो गया और यहाँ पर डायरेक्शन बैठती है वाई, और कितने का चाहिए पिच, पिच मैंने ले लिया 5 का, हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट मैंने कर दी 120, पिच अभी भी कम है 10 का कर दो, 10 का कर दिया, अब ये तो मैंने बना लिया। अब मुझे सर्किल वर्किल कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ से जाइए और यहाँ पे है मेरे पास कितने का 5 का सर्किल रेडियस और सेंटर का व्यू आना, बस बन गया, कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है, गोल हो गया ठीक है, सर्किल बनाने की भी जरूरत आपको नहीं लगेगी, तो डबल क्लिक करिए, जो भी रेडियस आपने यहाँ पर डिफाइन किया है वो आ जाएगा, माने 2 कर दिया तो 2 का बन जाएगा, डिलीट। फिर से चलते हैं और सेंटर, सेंटर के बाद टू गाइड एंड टेंजेंसी सब नहीं है, हो नहीं पाएगा, थोड़ा अजीब सा है, और ये वाले भी ऐसे ही है, ये भी अलग अलग लेके अलग अलग लेके बड़ा अजीब है, टेंजेंसी चाहिए होती है इसके अंदर, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, बिना टेंजेंसी के काम चल जाएगा, तो बता देता हूँ आपको, यहाँ से लिया और टू गाइड में पहला गाइड मैंने माना ये ले लिया, अब टेंजेंसी टेंजेंशियल सरफेस चाहिए जिसे टेंजेंट करे, सेकंड गाइड का मैंने कौन सा लिया ये लिया, इसकी भी टेंजेंट सरफेस चाहिए, जब तक सरफेस नहीं होगी तो ये लेगा नहीं है ना, तो बन ही नहीं पाएगा इसे, छोड़ देते हैं सही। तो ये सब था आपका वायरफ्रेम सरफेस डिज़ाइन का ठीक है, इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका जनरेटिव शीट मटल डिज़ाइन होगा, ये रहा शीट मटल डिज़ाइन यहाँ पे काम करता है, शीट मटल डिज़ाइन शीट मटल प्रोडक्शन ये यहाँ पे काम नहीं करता, ये काम करेगा यहाँ पे जनरेटिव शीट मटल डिज़ाइन, इसको हम कर लेंगे कल स्टार्ट ठीक है सर, ठीक है तो इतना ही रख लेते हैं, ड्राइंग आप देख लेना, कोई पूछना चाहो तो बता देना मुझे, इसमें पर प्रैक्टिस करिए आप है ना, ठीक है सर। सर शीट मटल का मुझे नॉलेज चाहिए थोड़ा, हाँ मैं शुरू से ही बताऊंगा, पूरा शुरू से ही बताऊंगा शीट मटल का ठीक है, जो जो चीज़ें इसके अंदर है वो सारी बताऊंगा मैं आपको, है ना, नहीं सर, हाँ इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है मेरे को।